हाँ नहीं वो अलग अलग बबल को अगर कंपेयर करेंगे है ना। हाँ ठीक है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा तो एक्सेस प्रेशर कम होता जाएगा। अगर मान ले दोनों तरफ का प्रेशर अगर बराबर हो गया एक तरीके से तो फूट सकता है। और दूसरा सरफेस टेंशन की वजह से वो जो फोर्स लग रहा था ना बीच से, इमेजिन किया था कि उसको पकड़ के रखा है, नहीं ऐसा कुछ रेंज नहीं है, ऐसा कोई रेंज नहीं है। हाँ फिक्स्ड वैल्यू रहेगी, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल लिया, कौन सा लिक्विड लिया हुआ है ना। अब इमेजिन कर जो एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे क्या है, हमने वो पकड़ रखा है, मेम्ब्रेन बना रखा है ना। अब मेम्ब्रेन में फोर्स लगा रहे हैं तो उसको पकड़ के रखना पड़ेगा, पर एक ऐसा भी लिमिट हो सकता है बहुत ज्यादा फोर्स लगा तो उड़ गया। तो ऐसे ये भी हो सकता है कि सरफेस टेंशन जो उसको पकड़ के रखा है ना, सरफेस टेंशन सफिशियंट नहीं हो तो बर्स्ट भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखो तो सरफेस टेंशन के जो सारे टॉपिक थे वो हमने क्या कर लिए, कवर कर लिए, राइट। नेक्स्ट हमें देखना है क्या, विस्कोसिटी। अच्छा एक चीज और, कल हमने जाने से पहले जब हमने क्या किया, एक्सेस प्रेशर पढ़ा है, तो यहां पे हमने देखा है कि एक ड्रॉप के लिए जो एक्सेस प्रेशर होगा उसका फॉर्मूला क्या आ रहा है, 2s / r, यही आ रहा है। एक बबल के लिए एक्सेस प्रेशर कितना, 4s / r। मान लो मैंने तुमसे बोला कि भाई नदी है या पानी भरा हुआ है और पानी के अंदर एक बबल है, राइट। ये पूरा का पूरा क्या है, पानी है और पानी के अंदर में क्या है, एक बबल है। इसके लिए जो एक्सेस प्रेशर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, अब इसके लिए लिखेंगे क्या, 2s / r, ध्यान रखना। तो कॉन्सेप्ट हमेशा काम करना चाहिए, जब एक बबल था तो सरफेस एरिया जब हम ले रहे थे तो बाहर का भी ले रहे थे अंदर का भी ले रहे थे, लेकिन जब ये बबल पानी के अंदर रहेगा या लिक्विड के अंदर रहेगा तो तुमको ये पता होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला वो पोर्शन है जो एयर के साथ एक्सपोज्ड है, ये वो एरिया है जो उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। अब बाहर वाले एरिया को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो एक दो बार क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि अगर कोई बबल जो लिक्विड के अंदर है, पानी के अंदर कोई बुलबुला है तो उसके लिए एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, तब क्या लिखना पड़ेगा, 2s / r। क्लियर है ये, है ना, इसको भी नोट कर लेना इस चीज के साथ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं विस्कोसिटी, राइट। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, एटा से। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एटा से। पहले समझते हैं कि विस्कोसिटी होता क्या है और विस्कोसिटी की वजह से जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो क्या होता है। तो एक चीज समझो, जिस तरह से हमने मैकेनिक्स पढ़ा हुआ है और मैकेनिक्स में कुछ चीजें हमने क्या के स्टडी की हुई है, और वहां पे दो चीजें हैं जो यहां के विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स के इक्विवेलेंट है, वो है एयर रेजिस्टेंस और दूसरा है फ्रिक्शन। ये वो दो चीजें ऐसी हैं जो क्या कराते हैं, मोशन का या रिलेटिव मोशन का अपोज करते हैं, साथ ही साथ एनर्जी का क्या करते हैं, लॉस कराते हैं। पर कभी भी जब तक नहीं बोला जाएगा तब तक हम अपने से खुद से बाय डिफॉल्ट इनको कंसीडर नहीं करते, हम अपने से कभी भी इनको कंसीडर नहीं करते कि वहां पे क्या है, ये फ्रिक्शन अवेलेबल है या फ्रिक्शन प्रेजेंट है या एयर रेजिस्टेंस है। जब दिया जाएगा तभी हम क्या करते, लेते हैं। वैसा ही काम यहां पे कौन करता है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का सीधा सीधा मतलब होता है जो लिक्विड होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी लेयर्स होते हैं, लिक्विड में भी क्या होते हैं, लेयर्स होते हैं, और लेयर्स क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। तो जब लिक्विड के लेयर्स फ्लो होते हैं तो उस लेयर के मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल यह है कि जब भी तुम क्या करोगे, देखोगे नदी में, तो नदी अगर मान लो बह रहा है तो नदी का जनरली अपर वाला जो लेयर होता है वो बहता रहता है, राइट। नदी का जो अपर वाला लेयर रहता है वो बहता रहता है, जबकि नीचे वाला जो लेयर देखोगे सबसे, वो तुमको स्टैटिक मिल सकता है, डिपेंड करता है कि कितनी गहराई का नदी है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर वाला जो लेयर है वो क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है उसके नीचे वाले लेयर के साथ में, उसका नीचे वाला लेयर उसके मोशन का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, उस लेयर के नीचे वाला लेयर इसका अपोज कर रहा है। तो जो लेयर्स होते हैं एक दूसरे का क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो इसलिए ऐसा होता है कि ऊपर वाला लेयर फ्लो हो रहा है लेकिन नीचे वाला लेयर अभी भी क्या है, स्टैटिक है। अगर ये अपोज नहीं करते तो सबका सब पूरा का पूरा क्या होता है, बहता। इसका एक एग्जांपल ये भी अच्छा है कि जब भी तुम नदी में देखते हो तो नीचे में जो पानी रहता है वो किसके कॉन्टैक्ट में है, राइट, सरफेस के कॉन्टैक्ट में। नीचे में रेत वगैरह भरा हुआ है, उसके बावजूद ऊपर का पानी क्या रहता है, बिल्कुल साफ रहता है, क्योंकि नीचे वाला लेयर जो है वो रेत के कॉन्टेक्ट में वो खुद कैसा है, रुका हुआ है, जबकि ऊपर के लेयर्स क्या हो रहे होते हैं, फ्लो हो रहे होते हैं। तो लिक्विड की ये प्रॉपर्टी कि वो खुद क्या करता है, लेयर्स के मोशन का अपोज करता है या लिक्विड के मोशन का अपोज करता है, वही क्या कहलाता है, राइट, विस्कोसिटी। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं
अगर तुमको नॉर्मली ऐसे समझना है कि भाई क्या है, किस टाइप का मोशन कंपोज करता है, तो तुम क्या करो, लिक्विड में हाथ डालो और अपने हाथ को घुमाने की कोशिश करो। जब हम हाथ को क्या करते हैं, घुमाने की कोशिश करते हैं, जब हाथ को मोशन करने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक फील होता है कि यार ये जो लिक्विड है वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। और ये प्रॉपर्टी होती है अलग अलग लिक्विड की। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने हाथ डाला है पानी में और पानी में हाथ घुमाने की कोशिश करोगे, तो कंप्लीटली आसानी से हम घुमा सकते हैं, क्योंकि जो पानी है वो थोड़ा सा लेस विस्कस है और वो जो हमारे हाथ का मोशन का अपोज करता है वो थोड़ा कम करता है। इसी की जगह अगर हम ऐसे इमेजिन करें कि हमने शहद में हाथ डाल दिया है और वहां हाथ घुमाने की कोशिश करो, सोच के अजीब सा लगता है, बट इमेजिन करो सिर्फ शहद में डाला, तो शहद जो है, हनी जो है, वो ज्यादा क्या होता है, विस्कस होता है, वो हमारे हैंड के मूवमेंट का ज्यादा अपोज करेगा। तुम ये भी समझ सकते हो कि अगर मान लो थोड़ा सा पानी में ऐसे गिरा दो, थोड़ा सा शहद गिरा दो, तो पानी क्या होता है, फैल जाता है, क्योंकि वो उतना मोशन का अपोज नहीं कर पाता, पर शहद उतना नहीं बहता, क्योंकि उसमें जो है वो अपने ही लेयर्स के मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। तो ये हो गया कोर मीनिंग, पर इसको समझे कैसे, इसको डिफाइन कैसे करें। तो इसको समझने के लिए सीधा सीधा तुमको याद होना चाहिए, जब हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा था, और वहां पे भी थर्ड, शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन, मैंने बोला था ये वापस आएगा जब हम क्या पढ़ेंगे, विस्कोसिटी पढ़ेंगे। तो मान लो बिल्कुल ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह से एनसीईआरटी में दिया हुआ है वैसा ही समझते हैं। लेट्स से हमने बोला कि हमारे पास क्या है, एक इस तरह का ग्लास स्लाइड है, एक स्लाइड ले लिया और इसमें हमने कुछ लिक्विड क्या कर दिया, पोर कर दिया है। लिक्विड का जो थिकनेस होता है काफी कम होता है, पर समझने के लिए थोड़ा सा ज्यादा बना रहे हैं। तो हमने इसमें क्या कर दिया, लिक्विड इस तरह से बना दिया। तो लिक्विड के ये क्या हो गए, लेयर्स हो गए, इस तरह का क्या है, लेयर्स है। और इसके ऊपर हमने फिर क्या कर दिया, दूसरा स्लाइड रख दिया। ध्यान रखना है इतनी मोटी थिकनेस नहीं होती, सिर्फ समझने के लिए हमने क्या कर दिया, बना दिया। अब अगर मुझे इसे क्या कराना है, स्लाइड कराना है, तो मुझे बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। मुझे बाहर से इसलिए फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो अगर यहां से एक फोर्स लग रहा है, तो उतनी ही फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, तभी ये क्या कर पाएगा, स्लाइड कर पाएगा। तो थोड़ी देर के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि नीचे वाला जो लेयर है वो तो वहीं पे रहेगा, लेकिन ऊपर वाला लेयर क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इसके कॉन्टेक्ट में कौन है, ये वाला लेयर। जब ये आगे बढ़ेगा तो ये भी आगे बढ़ेगा, इसके कॉन्टेक्ट में नीचे वाला लेयर है वो भी आगे बढ़ेगा, उसके कॉन्टेक्ट में उसके नीचे वाला लेयर है वो भी आगे बढ़ेगा, बट उतना नहीं जितना सबसे ऊपर वाला लेयर। तो सबसे नीचे वाला लेयर अपने आप में स्टैटिक रहने की कोशिश करेगा, वो मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा उससे ऊपर वाले लेयर का, तो उसका जो ऊपर वाला लेयर रहेगा वो थोड़ा सा आगे बढ़ पाएगा। ये अपोज करेगा अपने ऊपर वाले का, तो वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ पाएगा, उतना नहीं। इस तरह से सारे लेयर्स कुछ ना कुछ क्या होंगे, आगे बढ़ चुके होंगे। और इसके साथ साथ जो ग्लास हमने क्या क्या लिया हुआ है वो भी आगे बढ़ चुका होगा। हम इसमें फोर्स लगाते जाएंगे, ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, राइट। और फोर्स हमें लगाना पड़ रहा है क्योंकि जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के मोशन का क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। नहीं कर रहे होते तो ये अपने आप आगे बढ़ जाता। लेट से हमने मान लिया कि भाई इसकी जो हाइट है वो कितनी है, एच है, फोर्स लगा रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है, राइट। क्रॉस सेक्शन एरिया हमने कितना मान लिया, ए। अब जब हम विस्कोसिटी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो विस्कोसिटी को डिफाइन करने का सीधा सीधा क्राइटेरिया होता है, ऊपर में हम लिखते हैं शेयर स्ट्रेस, क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्मेशन ला रहे हैं, डिवाइड बाई, ध्यान रखना यहां लिखा जाता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन याद है कि जब हम इसको फोर्स लगाते हैं तो ये अपनी जगह से कितना डिफॉर्म हो जाता है, बट अब हम बात कर रहे हैं लिक्विड की। लिक्विड में अगर आप फोर्स लगाते जाएंगे तो ये स्ट्रेन कंटिन्यूसली बढ़ता ही जाएगा। सॉलिड के केस में ऐसा नहीं था, सॉलिड में अगर एक मोटी सी बुक ले लो, तुम फोर्स लगाओ तो वो जाके ऐसे डिफॉर्म हो जाता है, उसमें एक स्ट्रेन हो जाता है, जिससे स्ट्रेन को कह रहे थे शेयर स्ट्रेन। लेकिन अगर हम इसमें फोर्स लगाते जाएं लिक्विड के केस में, तो आगे बढ़ता ही जाएगा। इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ये जो शेयर स्ट्रेन है वो किस रेट से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जिस रेट से चेंज हो रहा है वही कहला जाता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, राइट। अब अगर हम इसको क्या करें, लिखें, तो इसको लिखने का तरीका सीधा सीधा हो जाएगा। शेयर स्ट्रेस लिखेंगे क्या, फोर्स डिवाइड बाई एरिया, और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन हम क्या करेंगे, लिखेंगे, राइट। शेयर स्ट्रेन क्या था, याद करो, राइट, ये वाला पार्ट जो डिफॉर्म हुआ था अपनी जगह से जितना आगे गया था, इसको हमने लिख दिया था क्या, डेल्टा एक्स, और डिवाइड बाय वाई। यहां पे वाई की जगह पे मैंने एच लिखा हुआ है, तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एच। पर मैं मुझे इसका भी क्या करना है, रेट देखना है, मुझे ये जानना है कि किस रेट से ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेट से मैं इसको डेल्टा एक्स ना लिखूं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा, सिंपल मैंने लिख दिया क्या, एक्स। तो ये एक्स कंटिन्यूअसली क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं फोर्स डिवाइड बाय एरिया। हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो 1 बाय एच बाहर निकाल लेंगे, अंदर में क्या बचेगा,
dx by dt. जिस रेट से स्ट्रेन क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, उसी रेट से ये क्या करेगा, मूव भी करेगा, और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, वेलोसिटी से। इसे रिप्लेस करेंगे अगर वेलोसिटी से, तो विस्कोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा एफ बाय ए, नीचे में आएगा राइट, डीएक्स बाय डीटी को रिप्लेस कर दिया किससे, वी से, तो वी बाय एच, और ये हो जाएगा हमारे पास एच ऊपर जाएगा तो एफ एच, और ए नीचे आएगा तो ए इंटू वी, राइट, ए इंटू वी। यहां पे हम लिखेंगे जो एटा है वो क्या है, राइट, जो एटा है वो क्या है, विस्कोसिटी, राइट, और विस्कोसिटी होगी लिक्विड की प्रॉपर्टी, अलग अलग टाइप के लिक्विड के लिए क्या होगा, अलग अलग टाइप की विस्कोसिटी होगी। यहां पे जो एफ है हमें उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना विस्कस फोर्स लगेगा, इस प्रॉपर्टी की वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा, विस्कस फोर्स, तो हम इसे विस्कस फोर्स भी कह सकते हैं, इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा और उतना ही फोर्स वो भी लगाएगा, तभी हम उसे कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से क्या करा पाएंगे, मूव करा पाएंगे, राइट। जो एच है वो सिंपल लिख सकते हैं कि हाइट, या फिर अगर लिक्विड के लिए बोलेगा तो कहीं कभी इसको डेप्थ भी बोलेंगे, राइट, कितने डेप्थ तक वो लिक्विड भरा हुआ है, राइट। जो ए है वो हो जाएगा हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, वो एरिया जिसपे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा टोटल क्या, एरिया जिसपे फोर्स लग रहा है, और वी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, राइट। तो अगर कभी ऐसा लगे कि ये फॉर्मूला तुम क्या कर रहे हो, भूल रहे हो, तो उसको सीधा सीधा क्या करना है, यहां से निकालना है। सिंबल भी बिल्कुल वही है, वहां पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी था, यहां पे विस्कोसिटी है, सिंबल भी सेम है, वहां पे शेयर स्ट्रेस था और नीचे शेयर स्ट्रेन था, यहां पे शेयर स्ट्रेस ही है, बस सिंस ये स्ट्रेन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, बस उसको क्या लिख देना है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, और यहां से तुम उसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। एक और चीज का ध्यान रखना है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और विस्कोसिटी के जो डायमेंशन होंगे या यूनिट होगा वो अलग अलग होगा। वहां पे हमने लिखा था शेयर स्ट्रेन, और शेयर स्ट्रेन क्या था, वहां की बात कर, इलास्टिसिटी में यूनिटलेस, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर स्ट्रेस का डायमेंशन और यूनिट क्या होता, सेम होता, बट यहां पे रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है, ये यूनिटलेस नहीं है। नीचे पे जो लिखा हुआ है यहां पे v by h, ये यूनिटलेस नहीं होगा। अगर ये यूनिटलेस नहीं है तो ये इसका क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेस और विस्कोसिटी का जो डायमेंशन और यूनिट होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर ये डायमेंशनलेस होता तो सेम होता, पर ये डायमेंशनलेस नहीं है तो ये अलग अलग होंगे। क्लियर है ये? अच्छा, बात अगर करें इसके यूनिट की, राइट, अगर इसको बात करें यूनिट की, तो यूनिट दो होते हैं, एक होता है एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट को लिखा जाता है पॉइज़ली। आई एम प्रीटी श्योर कि मैंने स्पेलिंग इसकी गलत लिखी होगी, बहुत अजीबोगरीब सा है, पी ओ आई एस यू आई डबल एल, अगेन शायद मुझे याद आ रहा है यू ई एस समथिंग है, उसको एक बार कंफर्म कर लेना, स्पेलिंग बहुत ज्यादा चांसेस है कि गलत ही लिखा हुआ है, बिल्कुल अजीब सा है। अच्छी बात है, शॉर्ट फॉर्म में पीएल लिखेंगे, राइट, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, पीएल। इसी तरह से इसकी सीजीएस यूनिट भी एनसीईआरटी में मेंशन है, तो वो भी तुमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, और वो होता है पॉइज। कन्वर्जन भी तुमको याद रखना है कि वन पॉइजली जो होता है वो किसके बराबर होगा, टेन पॉइज के इक्वल। क्लियर है? तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक है क्या, विस्कोसिटी, इसको नोट करो जरूर। निकाला है कि विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा या विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। स्टोक्स करके साइंटिस्ट है जिसने भी क्या किया है, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, और उन्होंने जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो दिया है, किसी अगर हमारे पास कोई राउंड ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, और वो मान लो किसी भी लिक्विड में या किसी भी फ्लूइड में, सिर्फ लिक्विड की बात क्यों करें, क्योंकि फ्लूइड जो होगा, एयर वगैरह है, वो भी एक रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा, वो भी एक तरीके का क्या है, विस्कस फोर्स ही है। बट उनका कोई डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी सीधा सीधा क्या है, फॉर्मूला दिया हुआ है, और उसी को हमको क्या करना है, याद रखना है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टोक्स लॉ, राइट, स्टोक्स लॉ ये सीधा सीधा बता रहे हैं कि अगर मान लो कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो किसी भी फ्लूइड में क्या हो रहा है, गिर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, अब वो फ्लूइड हो सकता है लिक्विड हो सकता है गैस हो, तो वो भी क्या करेगा, एक रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा, अपोजिंग फोर्स लगाएगा। वो जो फोर्स दिया गया, वो दिया गया एफ इज इक्वल टू 6 pi eta r v से। इतना फोर्स वो क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, जहां पे एटा अगेन क्या है, विस्कोसिटी है, जो भी हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, आर जो है वो है रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, और वी जो है वो क्या है, वेलोसिटी। यहां पर एक चीज हमें क्या करना है, समझना है कि जो विस्कस फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, वेलोसिटी। जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, एक रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये हमने भी कहीं ना कहीं क्या क्या एक्सपीरियंस किया हुआ है, जब हम क्या कर रहे हैं, बाइक मान लो चला रहे हैं, जितनी तेज हम बाइक चलाते हैं उतना ही ज्यादा हम पे क्या लगता है, फोर्स लगता है, रिटार्डिंग फोर्स लगता है। तो यहां पर हमें क्या करना है, कुछ चीजें देखनी है। मान लो हमने बोला कि भाई यहां पर हमने क्या कर दिया, कोई भी फ्लूइड ले लिया, किसी भी टाइप का फ्लूइड हो सकता है,
राइट। और इसमें हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, नीचे के साइड गिर रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे के साइड गिर रहा है मतलब नीचे के साइड फोर्स लग रहा होगा क्या, mg, राइट। नीचे के साइड फोर्स लग रहा होगा mg, ऊपर के साइड एक फोर्स लगेगा क्या, बायोंसी फोर्स। भाई फ्लूइड है तो बायोंसी फोर्स की प्रॉपर्टी होगी होगी। और दूसरा यहां भी क्या करेगा, ऊपर के साइड एक और फोर्स लगाएगा, किधर, कितना, विस्कस फोर्स, राइट। एक और फोर्स लगाएगा, विस्कस फोर्स, क्लियर है ये। हमने कंसिडर कर लिया कि भाई इसका जो रेडियस है वो है कितना, आर। अब जैसे जैसे क्या होगा, नीचे गिरेगा, समझो इस चीज को, जो विस्कस फोर्स है वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यहां पे तीन फोर्स दिख रहे हैं, जो mg है वो हमेशा लगेगा किधर, डाउनवर्ड। जो बायोंसी फोर्स है वो हमेशा लगेगा अपवर्ड, जबकि जो विस्कस फोर्स है वो हमेशा लगेगा मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट। अगर ये नीचे गिर रहा है तो विस्कस ऊपर लगेगा, अगर ये ऊपर जाता है तो विस्कस फोर्स नीचे लगता, क्लियर है ये। अब समझो हुआ क्या, मान लो हम इसको क्या करेंगे, यहां से रिलीज कर रहे हैं। जैसे हम इसको क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, तो शुरू में विस्कस फोर्स नहीं लग रहा था क्योंकि डिपेंड कर रहा है सीधा इस पे वेलोसिटी पे, वेलोसिटी जीरो था, ये लग ही नहीं रहा था। अब अगर mg ज्यादा हुआ किससे, बायोंसी फोर्स से, तो नीचे गिरना शुरू करेगा। अब अगर नीचे गिरना शुरू करेगा तो एक्सीलरेशन की वजह से वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऊपर की तरफ लगने वाला विस्कस फोर्स भी, एक ऐसा टाइम आ सकता है, आएगा हमेशा जरूरी नहीं है, पर ऐसा टाइम आ सकता है कि भाई ऊपर लगने वाला फोर्स किसके बराबर हो जाए, नीचे लगने वाले फोर्स। जिस टाइम पे ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, उस टाइम पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, जीरो नहीं बोलना है यहां पे। नेट फोर्स के जीरो होने का मतलब है एक्सीलरेशन जीरो होना, और एक्सीलरेशन जीरो होने के दो कंडीशन हो सकता है, या तो वेलोसिटी जीरो होना या वेलोसिटी का कांस्टेंट होना। यहां पे वेलोसिटी कभी भी जीरो, कभी ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से ऑब्जेक्ट गिर रहा है, फोर्स बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, जब फोर्स बराबर हो तो वहीं पे आके अटक गया, कभी ऐसा होता है क्या? कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो, गेंद को ऊपर फेंका और नीचे वापस ही नहीं आया, क्यों, हवा में अटक गया था, नहीं। फिर वो उस कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगा, नीचे गिरेगा, एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी, राइट। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, राइट। पैराशूट वगैरह के केस में भी इसी तरह की टर्मिनल वेलोसिटी होती है। जब बहुत ऊपर से क्या करते हैं, गिरते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के क्या हो जाता है, बराबर। जब दोनों फोर्स बराबर हो जाता है तो फिर वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही क्या होता है, नीचे आता है। तो मान लो कि जैसे जैसे नीचे आता गया वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती गई, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ता गया ऊपर का फोर्स बढ़ता गया, और एक टाइम ऐसा आया कि ऊपर लगने वाला नेट फोर्स नीचे लगने वाले नेट फोर्स के बराबर हो गया। तो फिर ये अब आएगा क्या, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाएगा क्या, टर्मिनल वेलोसिटी, राइट। टर्मिनल वेलोसिटी का डेफिनेशन मैं तुमको यहां पे क्या कर दूंगा, लिखा दूंगा। बट मान लो हम बात करें किसकी, इक्विलिब्रियम की, तो अब हम बात कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में हम बोलेंगे कि नीचे जो फोर्स लग रहा है विच इज mg, वो ऊपर लगने वाले फोर्स fb प्लस fv के बराबर होना चाहिए, बायोंसी और विस्कस फोर्स के बराबर। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम वगैरह देख रहे हैं, तो हमने मान लिया, राइट, कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी कितनी, रो, और जो हमारे पास फ्लूइड है इसकी डेंसिटी कितनी, सिग्मा, राइट। जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी सिग्मा मान ली, और इसकी डेंसिटी रो मान ली। तुम चाहो तो ये भी मान सकते हो, डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ऐसे मान सकते हो, क्लियर है। तो मास को मैं लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय, राइट, वॉल्यूम, और वॉल्यूम हो जाएगा कितना, 4/3 πr³ into g, buoyancy force, right, density of liquid sigma multiplied with displaced volume, अपने complete volume के बराबर displaced केस, तो कितना हो गया, 4/3 πr³ multiplied by g, plus viscous force कितना, 6 πr V, और अब इसको बोलेंगे क्या, t, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो यहां पे हम क्या रख रहे हैं, देख रहे हैं इक्विलिब्रियम। इसमें अगर हम क्या करें, चेक करें, तो उनको देखना है कौन-कौन सा टर्म कैंसिल हो जा रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे पाई दिख रहा है, राइट, ये पूरा पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, आर यहां कैंसिल होगा तो स्क्वायर बचेगा, यहां भी कैंसिल होगा तो स्क्वायर बचेगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। एक और जो 4 है उसको कैंसिल करके यहां लिख सकते हैं 2, यहां लिखा जा सकता है 2, और ये लिखा जाएगा क्या, 3। क्या क्या बच रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो, यहां बचा हमारे पास 2/3 रो आर स्क्वायर जी, यहां पर बच रहा है 2/3 सिग्मा आर स्क्वायर जी प्लस 3 एटा वी टी।
तो यहां से हमें मिलेगा 3 times eta vt = ये इधर आएगा तो 2/3 राइट कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर जी। और अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा 2 rho minus sigma r square g / ये नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा 9 times of eta, ये आएगा टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो दिया हुआ है एनसीईआरटी पे। पर मेरा रिकमेंडेशन है इसको याद मत करो बेटा, क्यों याद नहीं करो उसके कारण बता दे रहा। पहली चीज तो जब तुम इसको याद करोगे देख के लग रहा है कि अगर एक भी इधर से उधर हुआ तो चीजें गड़बड़ हो सकती है। क्या कि भैया तुमको इसके साथ साथ ये भी याद रखना पड़ेगा जो रो लिखा हुआ है ये क्या है डेंसिटी ऑफ बॉडी, और दूसरा जो सिग्मा लिखा हुआ है ये क्या है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, राइट फ्लूइड की डेंसिटी है। तुमको तो पहले ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा इसके साथ साथ कि सारे जो टर्म्स हैं वो क्या क्या है। आर है रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, एटा है क्या विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी हम क्या ले रहे हैं उसका उसका क्या है विस्कोसिटी है। अगर तुम भूले तो गड़बड़ होगा। दूसरा ये तब अप्लीकेबल है जब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है नीचे गिर रहा है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने नीचे से ऊपर फेंका है और थोड़ी देर के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। अगर ये ऊपर जा रहा है तब इक्वेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ऊपर के साइड क्या लगेगा बायोसी फोर्स, नीचे क्या लगेगा एमजी और साथ ही साथ विस्कस। फिर कभी कभी ऐसा बोल दिया है कि एक बबल है जो अपने से कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ऊपर राइज कर रहा है। अगर एयर बबल दिया हुआ है ऊपर राइज कर रहा है तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा बायोसी फोर्स, नीचे लगेगा विस्कस और नीचे लगेगा एमजी, इक्वेशन चेंज हो जाएगा। बायोसी फोर्स इक्वल टू लिखोगे एमजी प्लस विस्कस फोर्स, तो क्या ये आंसर आएगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह से कई बार ऐसा बोल देता है कि एयर बबल ऊपर जा रहा है राइट, और एयर की डेंसिटी को नेग्लिजिबल मानना है। अगर उसने ऐसा बोल दिया कि एयर की डेंसिटी को नेग्लिजिबल मानना है या नहीं दिया हुआ है तो तुम ये मान सकते हो कि उस एयर बबल के वेट को नेग्लिजिबल, राइट एयर बबल का वेट वैसे भी क्या होगा नेग्लिजिबल होगा। अगर डेंसिटी नहीं दिया हुआ है कुछ भी नहीं बोला तो एयर बबल के मास को या डेंसिटी को सॉरी वेट को क्या मानेंगे नेग्लिजिबल। अगर उसको नेग्लिजिबल मान लिया तो अब दो ही फोर्स बचा, एक बबल जो ऊपर जा रहा है उसके लिए बोलोगे ऊपर क्या लग रहा है बायोसी फोर्स और नीचे बस खत्म, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा बायोसी, नीचे की तरफ विस्कस, दोनों को इक्वेट कर देना है। तो अलग अलग टाइप के इक्वेशन बन रहे हैं या नहीं बन रहे? अभी हमने यहां पे इक्वेशन बनाया कि mg बराबर है fv प्लस fv के। अगर यही एयर बबल ऊपर की तरफ जाएगा राइट तो उस टाइम पे क्या लिखेंगे fv बराबर हो जाएगा mg प्लस fv के, और अगर इसी को मासलेस मान लेंगे तो fb बराबर हो जाएगा किसके fb के। तो सिंस तुमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है तुमको ये पता है कि फोर्स कैसे बैलेंस करते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि इसको मत रटो, तुमको ये पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है, और उसके बाद अगर तुमको इन सब के फॉर्मूले पता है तो आराम से सॉल्व कर सकते हो राइट। 2 से 3 लाइनें क्या है, गलत करने से ज्यादा बेटर होगा कि 3 लाइन एक्स्ट्रा लिखो पर सही लिखो। अरे गलत कर ही लोगे क्या फायदा होगा, बल्कि नुकसान ही होगा, -1 ही तो आएगा। तो उससे अच्छा 2-4 सेकंड 5 सेकंड अंदर, कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, क्लियर है ये। और केस टू केस ये बदलता भी रहेगा। सारे केसेस समझ में आ गए? अगर बबल ऊपर जा रहा है और बबल ऊपर जा रहा है पर मासलेस है तो फॉर्मूला अलग अलग टाइप्स हो जाएगा। अब होता क्या है कि जनरली ये सब कुछ नहीं पढ़ाया जाता, ये रटा रहा है, ये रटाया जा रहा है बिल्कुल कि टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये, क्वेश्चन बदल दिया है, क्वेश्चन बदला हुआ उसमें टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ और आ रहा है। भाई कहलाएगा तो वो भी टर्मिनल वेलोसिटी, वो फॉर्मूला कुछ और आ रहा है दिख रहा है। अब उनको लग रहा है कि पता नहीं ये सही कि वो गलत है। भैया समझ जाओ ये लिखने का तरीका अगर बदलेगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, क्लियर है ये? ठीक है, इसको नोट करो। टर्मिनल वेलोसिटी वाला लाइन यहां पे 2 लाइन छोड़ देना, मैं यहां पे वो लिखा दूंगा, डेफिनेशन लिखा दूंगा, बाकी यहां तक कर लो। लिखना है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड, experiences net zero force, then it achieves a constant velocity known as terminal velocity.
तो जब नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो कांस्टेंट वेलोसिटी जो अचीव करता है वही क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, राइट। सिंपल सा तुम एग्जांपल क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो पैराशूट वाला, राइट। पहले वेलोसिटी बढ़ती जाती है कंटिन्यूअसली, जब पैराशूट ओपन किया जाता है तो ऊपर में जो एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो फोर्स लग रहा होता है वो बहुत तेजी से लगता है। अगर उसके वेट को ऊपर लगने वाले जितने भी फोर्सेस उन लोगों ने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया, तो फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगा, नीचे गिरेगा। क्लियर है? इसके साथ ही साथ अब आता है हमारा सबसे लास्ट टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स का, जो इतने दिन से हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर, राइट, रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, आर ई से। अगेन कोई डेरिवेशन नहीं है, रेनॉल्ड जो है राइट साइंटिस्ट का नाम है, और उन्होंने क्या किया है, अलग अलग टाइप के फ्लो को स्टडी करके राइट वो किस पे डिपेंड कर रहा है वो निकाला है, और यहां पे एक नंबर दिया है, और उस नंबर की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो फ्लो है राइट, जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो किस टाइप का फ्लो हो रहा है। तो इसको करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्लो के टाइप क्या है। तो दो टाइप के फ्लो हम क्या बोलते हैं यहां पे कहते हैं, एक बोला जाता है स्ट्रीम लाइन फ्लो, राइट, एक बताया जाता है स्ट्रीम लाइन फ्लो। ये ऐसा फ्लो है जिसमें जो लिक्विड के लेयर्स है वो आपस में कभी मिक्स नहीं होते, राइट। कहीं पर मान लो नदी है और बिल्कुल आराम से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, जो साफ पानी वाला नदी है वो आराम से हम बताया जा सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि वो कैसा फ्लो है, स्ट्रीम लाइन, क्योंकि उसको जो लेयर्स है वो आपस से मिक्स नहीं हो रहे, राइट। पहला लेयर ऊपर है, उसके दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, वो जनरली क्या होता है ऐसे बह रहा है। तो जब लेयर्स आपस में मिक्स नहीं होते तो उनको, उन फ्लो को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रीम लाइन। और ऐसा क्यों बोला हमने कि जो साफ पानी वाला नदी है उसको हम स्ट्रीम लाइन बोल सकते हैं, क्योंकि अगर लेयर्स मिक्स होते तो सबसे बॉटम वाला लेयर जो किसके कॉन्टेक्ट में, रेत के, जमीन के साथ, वो जब ऊपर आता तो अपने साथ साथ कुछ रेत को ऊपर लाता, फिर ये ऊपर जाता, फिर ये और ऊपर जाता, तो जब लेयर्स मिक्स होते तो उनके कॉन्टेक्ट में जो रेत है वो भी मिक्स होता, और जब रेत पूरा मिक्स हो जाता तो पूरा का पूरा जो पानी है वो कैसा दिखता, मटमैला सा, गंदा सा, राइट। बट सिंस ये रेत आपस में मिक्स नहीं हो रहा, रेत ऊपर नहीं आया है, तो हम बोल सकते हैं कि जो लेयर्स है वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, और जो फ्लो है वो कैसा है, स्ट्रीम लाइन। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है कि जब हम नल को क्या करते हैं, खोलते हैं, और जब थोड़ा फ्लो कम रहता है तो तुम उसमें देखोगे कि जो लेयर्स है वो बिल्कुल आराम से गिरते हैं, कोई भी छींट हम पे नहीं पड़ती, राइट। जब हम धीरे खोलते हैं तो पानी का जो फ्लो होता है बिल्कुल ऐसा होता है, लेयर्स जो है वो आपस में मिक्स नहीं होता और हम पे छींट नहीं पड़ती। इसका जस्ट अपोजिट, जस्ट दूसरा फ्लो हो जाता है हमारे पास क्या, टर्बुलेंट फ्लो, राइट। दूसरा फ्लो हो जाता है हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो, जब लिक्विड के लेयर्स आपस में मिक्स होना शुरू हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या, टर्बुलेंट फ्लो। इसका एग्जांपल है कि जब भी बाढ़ वगैरह आता है, जब फ्लो बहुत तेजी होता है तो पूरा नदी जो होता है, पूरा जो क्या बोलते हैं नाले वगैरह होते हैं, पूरे गंदे दिखने लगते हैं। रीजन क्या है, नीचे के जो रेत है वो ऊपर आने लगते हैं, नीचे का जो भी मटेरियल ऊपर आने लग रहा है, और वो क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके साथ जो लेयर कॉन्टेक्ट में है वो मिक्स हो रहा है किसके साथ, दूसरे लेयर्स के साथ। तो हम कहते हैं जब लिक्विड के लेयर्स आपस में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं तो फ्लो कैसा हो जाता है, टर्बुलेंट। अगेन इसका दूसरा एग्जांपल, नल को जब हम बहुत तेजी से क्या करते हैं, वो करते हैं, खोलते हैं, जब फ्लो बहुत तेज होता है तो कुछ छींटे हम पे पड़ रही हैं। छींटे क्यों पड़ रही हैं, क्योंकि लेयर्स आपस में मिक्स होते रहते हैं तो कुछ लेयर्स बाहर भी निकलते हैं। हम चाहे तो कभी कभी ऐसा बोल सकते हैं कि कभी ऐसा होता है कि ना तो वो कंप्लीटली स्ट्रीम लाइन है, ना तो कंप्लीटली टर्बुलेंट है, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, मिक्स्ड फ्लो। मिक्स्ड फ्लो बेसिकली क्या हो गया, स्ट्रीम लाइन और टर्बुलेंट का मिक्सर हो गया, कुछ लेयर्स मिक्स हो रहे हैं, कुछ लेयर मिक्स नहीं हो रहे। ये जो है ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, एग्जैक्ट तुम नहीं बता पाओगे कि बिल्कुल ही स्ट्रीम लाइन है, एक भी लेयर मिक्स नहीं हो रहे, इसी तरह से बिल्कुल टर्बुलेंट है, सारे लेयर्स मिक्स हो रहे, राइट। इसमें अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है, जब लगभग हाँ कि लेयर्स नहीं मिक्स हो रहे तो स्ट्रीम लाइन, लगभग मिक्स हो रहा है तो टर्बुलेंट। क्लियर है? मैं अभी लिखा दूंगा इसको। उन्होंने क्या किया, फॉर्मूला निकाला सीधा सीधा रेनॉल्ड्स नंबर का, और फॉर्मूला दिया रो वी डी डिवाइड बाई एटा, रो वी डी डिवाइड बाई एटा, जहां पे जो रो है ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड है उसकी क्या है, डेंसिटी है। जो एटा है ये है क्या, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। जो वी है ये हो गया वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, जिससे जो डी है, जब तुम एनसीईआरटी रीड करोगे तो वहां पे लिखा है डायमेंशन ऑफ पाइप, बट जब हम न्यूमेरिकल वगैरह अगर सॉल्व करना हुआ तो हम उसको क्या लेंगे, डायमीटर ऑफ ट्यूब या डायमीटर ऑफ पाइप। तो जनरली डायमेंशन लिख दिया, पर डायमेंशन से क्लियर नहीं होता कि कैसा डायमेंशन, तो ये डी बल्कि क्या है, डायमीटर। उन्होंने ये वैल्यू वगैरह क्या क्या पुट किया और एक रेंज निकाला, और रेंज निकालने से समझ में आया कि उनको तीन रेंज मिल रहे हैं।
जब भी ऐसा आ रहा है कि जो रेनॉल्ड्स नंबर है सॉल्व करने से लेस देन 1000 आ रहा है, सॉल्व करने से ये वैल्यू जब 1000 से कम आ रही है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फ्लो है वो कैसा है, स्ट्रीमलाइन। जो फ्लो है वो कैसा है, स्ट्रीमलाइन। सेकंड ऑब्जर्वेशन उनका ये था कि जब भी ये 2000 से ऊपर है तो जो फ्लो है वो कैसा है, टर्बुलेंट है। और अगर ऐसा हुआ कि ये 2000 से कम है पर 1000 से ज्यादा है, 1000 2000 के बीच में कहीं है, तो ये फ्लो एक तरीके से कैसा था, मिक्स, जिसमें स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट दोनों मिले हुए। किसी किसी मॉडल में कहीं कहीं कई जगह में ये 3000 लिखा हुआ है कि जब 3000 से ज्यादा होता है तब टर्बुलेंट है। अगर कभी ऐसा डायलेमा हुआ तो हम फॉलो किसको करेंगे, सीधा सीधा एनसीईआरटी में, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बिल्कुल उसी को लेकर चलेंगे, और एनसीईआरटी में लिखा है कितना, 2000। क्लियर है? अब एक और एक चीज समझना है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट साइंस नहीं है कि बिल्कुल 999 हुआ तो स्ट्रीमलाइन और 1001 हो गया तो मिक्स्ड हो गया, 2001 हो गया तो तुरंत टर्बुलेंट हो गया, ऐसा नहीं। ये कि अप्रोक्सीमेट रेंज लेके चलते हैं कि लगभग ऐसा मिलता है, लगभग ऐसा मिलता है। क्लियर? ये फ्लो कैसा होगा, किस टाइप का होगा, वो एग्जैक्ट नंबर से पता नहीं चल पाएगा, ये एक रेंज है, लगभग ऐसा मिलता है। क्लियर? ये इसी तरह से तुमसे एक जो क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, एक जो तुमसे पूछ सकता है वो ये कि रेनॉल्ड्स नंबर का डायमेंशन निकालो। ध्यान से समझना बेटा, ये सिर्फ एक नंबर है, मतलब क्या हो गया कि अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। और अगर तुम चाहोगे तो उसको वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई करके भी निकाल सकते हो, वो डायमेंशनलेस ही आ जाएगा। क्लियर? ये हमारा क्या, रेनॉल्ड्स नंबर, जहां पे नंबर्स को देखकर तुम बता पाओगे कि फ्लो हमारा कैसा है, है ना। तो पहले काम करना है, लिख लेना इसको, पहले लिखना है स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो। इसमें लिखना है व्हेन लेयर्स ऑफ लिक्विड, व्हेन लेयर्स ऑफ लिक्विड डज नॉट मिक्स विथ ईच अदर, लेयर्स ऑफ लिक्विड डज नॉट मिक्स विथ ईच अदर, देन द फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन, then the flow is called streamline. Second हमारे पास turbulent, turbulent. इसमें लिखना है when the layers of liquid, when the layers of liquid mixes with each other. Layers of liquid mixes with each other. Right? अगर ये आपस में मिक्स होंगे तो क्या कहला जाएगा, turbulent. Right? और तीसरा है mixed. इसमें बोल देना है, इसमें लिख लेना सीधा सीधा some layers, या इसमें लिख लेना है कुछ streamline होगा और कुछ turbulent होगा, कुछ layers mix होंगे और कुछ layer mix नहीं होंगे, है ना। तो mixed flow में लिख लेना है mixture of streamline and turbulent. चलो इसको note कर लो, कुछ question है viscosity वगैरह पे, वो भी हम क्या कर रहे हैं, कर ले रहे हैं। देखो तो कुछ क्वेश्चन हमको क्या करने, देखने यहां पे विस्कोसिटी पे क्वेश्चन लिखना है। अ बोट ऑफ एरिया, अ बोट ऑफ एरिया 10 meter square, अ बोट ऑफ एरिया 10 meter square फ्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ रिवर, सॉरी फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ रिवर A boat of area 10 meter square floating on the surface of river is made to move with a velocity of 2 meter per second, with velocity of 2 meter per second by applying a tangential force. If the river is one meter deep, and the viscosity of water is 10^-2 poise, 10^-2 poise. Then find the necessary force.
फाइंड द नेसेसरी फोर्स नीडेड टू कीप इट मूविंग. फाइंड द नेसेसरी फोर्स नीडेड टू कीप इट मूविंग. तो जितना वो विस्कस फोर्स लगा रहा हो उतना ही हमको भी फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा. जनरली हम ये देखते हैं कि अगर हम फोर्स लगा के छोड़ देते तो कुछ देर के बाद जाके रुक जाता है. ये रुकता है बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी. जो लेयर्स है वो एक दूसरे का क्या करते हैं, मोशन का अपोज कर रहे होते हैं. तो सिंपल सा हमें हम लोग को क्या करना है, याद रखना है कि भाई विस्कोसिटी इज इक्वल टू क्या हमने देखा है, एफ एच डिवाइड बाई ए वी, राइट. अगर भूल जाओ तो शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाई रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन याद रखना है. तो यहां से जो फोर्स आएगा हो जाएगा एटा टाइम्स ए वी डिवाइड बाई एच. एटा की वैल्यू क्या पुट करूं मैं, 10 टू माइनस 2 नहीं, 10 टू पावर माइनस 3 पॉइजली. एसआई यूनिट में रखना है, ये सीजीएस है, ये हमारा क्या है एसआई यूनिट. तो यहां पे हम पुट करेंगे 10 टू पावर माइनस 3, एरिया गिवन है 10, वेलोसिटी कितनी 2, डिवाइड बाई कितना हाइट है डेप्थ दिया 1. तो यह आ जा रहा है कितना 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 न्यूटन. वॉटर, वेलोसिटी ऑफ वॉटर इन रिवर इज 18 किलोमीटर पर आवर. वेलोसिटी ऑफ वॉटर इन अ रिवर इज 18 किलोमीटर पर आवर एट द सर्फेस. इफ द रिवर इज 5 मीटर डीप, फाइंड द शेयरिंग स्ट्रेस. Between the horizontal layers of water. Right? Given है कि जो विस्कोसिटी है वॉटर का वो है 10 टू पावर माइनस 3 पॉइजली. करो डिवाइड बाई एवी. यहां पे क्या पूछा है, राइट, शेयर स्ट्रेस. तो शेयर स्ट्रेस हम लिखेंगे एफ बाई ए, और एफ बाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एटा वी डिवाइड बाई एच. राइट, एफ बाई ए अगर निकालना हो तो वी इधर आ जाएगा और एच नीचे आ जाएगा. बस इन्हीं की वैल्यू गिवन भी है. एटा गिवन है हमारे पास 10 टू पावर माइनस 3, वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर. 5 बाई 18 अगर करेंगे तो यही हो जाएगा कितना, 5 मीटर पर सेकेंड. तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड और एच या डेप्थ 5 दिया हुआ है. तो आंसर कितना आएगा, 10 टू पावर माइनस 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, द वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल, the velocity of a small ball of mass m and density d1 when dropped in a container, density d1 when dropped in a container filled with glycerine becomes constant after some time, full stop. What is the viscous force acting on the ball if the density of glycerine is d2. क्वेश्चन किसका है, टर्मिनल वेलोसिटी स्टोक्स लॉ का ही है, लेकिन इसमें सीधा सीधा टर्मिनल वेलोसिटी नहीं, पूरा का पूरा क्या पूछा है, विस्कस फोर्स ही पूछा है. और आंसर हमें देना है किसके टर्म में, एम डी वन एंड डी टू. करो, इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे बताना जरा. नीचे लगेगा एम जी, ऊपर एफ बी, और साथ ही साथ
राइट right? इस तरह से, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है। क्या मतलब हुआ कि ये किसमें है, इक्विलिब्रियम में। तो हम सीधा सीधा यहां पे लिखेंगे कि भाई एट इक्विलिब्रियम जो भी फोर्स ऊपर लग रहा है, और ऊपर लग रहा है एफ बी प्लस विस्कस फोर्स, ये बराबर होना चाहिए किसके, एम जी। अब इसमें ये नहीं पूछा है कि इसको बाइफर्केट करो, ये पूछा है सीधा सीधा एफ बी की वैल्यू निकालो। तो अगर हमें विस्कस फोर्स क्या करना हुआ, निकालना हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, एम जी माइनस बायांसी फोर्स। अब अगर मुझे क्या करना है, लिखना है, तो m का टर्म में हम आंसर दे सकते हैं, पर बायंसी फोर्स को क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया है, d2, तो हम लिखेंगे d2 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। अरे 4/3 pi r दिया है क्या भैया, ये अपने इंटायर वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस करेगा ही नहीं करेगा, लिक्विड के अंदर ही तो मूव कर रहा है, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, राइट इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, m by d1 है ना, इसका वॉल्यूम अगर तुम लिखोगे तो जो भी मास है और जो भी डेंसिटी है, तो ये कितना हो जाएगा, m डिवाइड बाई, फालतू की चीजें वो कर रहे हो, ये हो गया डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई g। यहां भी m g है, कॉमन निकाल लो, तो m g कॉमन निकालो क्या आ जाएगा, 1 माइनस, और यहां क्या बचेगा, d2 बाई d1, इतना विस्कस फोर्स लगेगा उसमें। 4/3 pi r के इतने बड़े बड़े इक्वेशन ले, देख के मैं डर जाऊं, फिजिक्स कमजोर है मेरी, इतने बड़े बड़े इक्वेशन मत लिखा करो। अरे क्लियर है, एक क्वेश्चन और लिखो, एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 millimeter ऑफ रेडियस 1 millimeter is allowed to rise through a long cylinder of viscous liquid of radius 5 centimeter and it travels at a steady rate of 2.1 centimeter per second full stop. If the density of liquid is 1.47 gram per centimeter cube, then find its viscosity and neglect the air density क्या मतलब हुआ एयर डेंसिटी को नेगलेक्ट करने का, कि मास ऑफ द बबल को क्या करना है, नेग्लिजिबल मानना। एक चीज और ध्यान देना, इसमें सारी चीजें मिलीमीटर सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है, तो क्यों ना तुम सारी चीजों को क्या करो, सीजीएस में सॉल्व करो, तो आंसर तुम्हारा किसमें आ जाएगा, पॉइज में। इतना सारा कन्वर्जन क्यों करे, आंसर पॉइज में आएगा उसको चाहो तो, फिर अगर ऑप्शन पॉइज ही मिलेगा तो कर सकते हो। अब अगर तुमको सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो जी की वैल्यू कितनी होगी, अरे सीजीएस में सॉल्व करने वाले हो ना तुम, जी की वैल्यू कितनी लोगे, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं तो गलत करते तुम। क्लियर है ये, अब करो इसको कन्वर्ट कर लेना सेंटीमीटर में, 0.1 सेंटीमीटर राइट, रेडियस ऑफ कॉलम। इसका क्या कर लो, कोई वो नहीं है वेट, तो कभी कभी जानबूझ के एक आध डेटा दे देता है जिसका कोई यूज नहीं होता, और अगर तुमने इसको यूज कर लिया तो गलत करोगे। इसमें क्या बोलना चाह रहा है वो समझो, इसमें बोला वो, मान लो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है इस तरह से, वेट एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, और सिलेंड्रिकल ट्यूब का जो रेडियस है वो गिवन है क्या, 5 सेंटीमीटर, जिसका कोई यूज नहीं है। फिर बोला है कि इसमें क्या है, लिक्विड भरा हुआ है इस तरह से,
राइट, इस तरह का लिक्विड भरा हुआ, और इस लिक्विड के अंदर में एक हमारे पास क्या है, एक एयर बबल, जो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, और गिवन है कि इसका जो रेडियस है ये है 0.1 सेंटीमीटर। उसको हमें क्या करना है, यूज करना है। अब अगर ये ऊपर जा रहा है तो देखो ऊपर कौन क्या फोर्स लग रहा होगा, बायंसी फोर्स। जब ये ऊपर जा रहा है तो इस पर लगने वाला विस्कस फोर्स क्या होगा, नीचे। इसके वेट को नेग्लिजिबल मानना है क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर क्या बोल दिया है, नेग्लिजिबल, और बोला है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ये जा रहा है ऊपर। अब अगर ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है सीधा सीधा, तो हम बोलेंगे ऊपर लगने वाला फोर्स किसके बराबर होगा, नीचे लगने वाला फोर्स के बराबर। बस का बाप वहीं से सॉल्व करना है। तो तुमको यहां क्या करना है, लिखना है एट इक्विलिब्रियम जो ऊपर फोर्स लग रहा है बायंसी फोर्स, वो नीचे विस्कस फोर्स के बराबर होना चाहिए। बायंसी फोर्स को क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेस वॉल्यूम, या अपने इंटायर वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस करेगा। रेडियस दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं क्या, 4/3 πr³, r की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर रखना है, मल्टीप्लाइड बाई जी। विस्कस फोर्स क्या लिखेंगे, 6 πe² r⁴। राइट, इस r से इसका ये कैंसिल हो जाएगा। राइट, निकालना क्या है, एटा निकालना है। देखो जरा क्या क्या आ जा रहा है ना, यहां पे सारी वैल्यूज तुम पुट कर सकते हो। डेंसिटी ऑफ लिक्विड सीधा सीधा 1.47 पुट करना है, मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा पाई से पाई भी कैंसिल हो गया। राइट, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻¹ का स्क्वायर डिवाइड बाई, अच्छा इंटू जी, जी कितना लेना बेटा 980, अप्रोक्सीमेट में तुम 1000 ले लो, देख लो क्या आ रहा है आंसर, उसके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से लेना है। नीचे क्या लिखना है, 3, ये 6 नीचे आएगा तो ये हो गया 6, और ये वेलोसिटी नीचे आएगा, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी 2.1, इधर में बच जाएगा एटा। बस कैलकुलेशन बचा और कुछ नहीं, क्लियर है। सॉल्व करना है, अप्रोक्सीमेट मेरे हिसाब से 1.54 पॉइज के बराबर आएगा, या फिर 0.154 पॉइजली के बराबर, क्लियर है। इस तरह से तुमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अरे आया समझ में? एक चीज ध्यान रखना है, फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन हो सकता है भयंकर टफ हो जाए, हो सकता है बहुत इजी आ जाए, लेकिन फॉर्मूला एटलीस्ट तुमको क्या करना है, याद रखना है। बहुत सारे लोग इसमें पीछे इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि कब से पढ़ रहे हैं हम लोग। राइट, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लोगों को फॉर्मूला तक याद नहीं आता, और फॉर्मूला याद नहीं आता तो उनको वही क्वेश्चन टफ लगते हैं। अगर फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो ये चैप्टर क्या है फिर, बहुत आसान है। तो प्रैक्टिस करके रखना है, इसीलिए इसका टेस्ट दो पार्ट में हो रहा है, ताकि प्रॉपर तरीके से क्या करो, रिवाइज कर लो। अब जो हमारा अगला टॉपिक आने वाला है ना, वो स्कोरिंग है। जो अगला टॉपिक है उसका वेटेज भी है, स्कोरिंग भी है, और साथ साथ में इंटरेस्टिंग भी है। अगला टॉपिक हमारा पूरा क्या है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है, इसको अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो 3 चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला चैप्टर का नाम आएगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दूसरा आएगा थर्मोडायनेमिक्स, और तीसरा आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इन तीनों को मिला के हम अपने पूरा का पूरा क्या करेंगे, यूनिट देखेंगे क्या, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, और वेटेज भी है। राइट, और स्कोरिंग है, आराम से स्कोर कर सकते हो, प्रैक्टिस सही से कर लिए तो। अब जिस तरह से रोटेशनल मोशन शुरू होने से पहले मैंने तुमको एडवाइस दिया था कि एक बार इंटीग्रेशन रिवाइज करके आ जाना, क्योंकि इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा यूज है, उसी तरह से हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में तुमको एडवाइस करूंगा एक बार ग्राफ रिवाइज करके आ जाना, क्योंकि याद करो जब हाइपरबोला पैराबोला के ग्राफ मैंने पढ़ाए थे तो थर्मो के कितने एग्जांपल्स लिए थे। राइट, तो पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स ग्राफ पे ही बेस्ड है, और सही तरीके से पढ़ लिया तो एक तीर से दो शिकार होने वाले हैं। केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक कुछ भी डिफरेंस नहीं है, साइन कन्वेंशन का बस एक वो रहता है, डिफरेंस रहता है। जिस दिन तुम्हारा साइन कन्वेंशन क्लियर कर दूंगा कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा, गारंटीड दे रहा हूं, गारंटीड बोल रहा हूं। तो चाहे यहां पढ़ो चाहे वहां पढ़ो, आराम से समझ में आएगा, आराम से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन तुम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है ये। तो क्लासेस अब मिस नहीं करनी क्योंकि स्कोरिंग आ गया, इसको सही तरीके से प्रिपेयर कर लो, अगर ये आया और आएगा ही तो आराम से बना सकते हो तुम, क्लियर है। चलो, थैंक यू।